दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं ढोने सुजुकी आरण्यश्वर पुणे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक्सेस 125 सीसी ड्रम एडिशन का। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्कूटर के प्राइजेस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में। एक्सेस 125 सीसी 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, इसके साथ ही ये 16 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर हम इसका मेटेलिक डार्क ब्लू ग्रीन कलर देख रहे हैं। एक्सेस 125 सीसी ड्रम एडिशन की एक शोरूम प्राइस है 82,000 रुपीज। ये स्कूटी आती है 12 इंच के फ्रंट व्हील के साथ, इसके साथ ही 10 इंच के रियर व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट टायर साइज 90x90 12 के है, रियर टायर साइज 90x100 10 की है। टायर आपको ट्यूबलेस मिलते हैं। इस वीडियो के एंड में हम स्कूटर का एग्जॉस्ट साउंड भी सुनने वाले है। हेडलाइट्स की डिजाइन बहुत ही बढ़िया लगती है, हेडलाइट्स एलईडी में मिलती है, इसके साथ ही टेललाइट्स भी एलईडी में मिलती है। अब हम जानने वाले हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको मिलता है स्विंग आर्म सस्पेंशन। अब हम बात करेंगे इस स्कूटर के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इसमें आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। फ्रंट ब्रेक टाइप है ड्रम, उसकी साइज है 120 mm, और रियर ब्रेक भी आपको ड्रम मिलता है, उसकी साइज है 120 mm ही। इस स्कूटर के डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको अनलॉक मिलता है, ओडोमीटर डिजिटल मिलता है। यहाँ पर हम इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत ही बढ़िया लेगरूम आपको यहाँ पर मिलता है, इसकी सीटिंग बहुत ही कंफर्टेबल है। स्पीडोमीटर आपको अनलॉक मिलता है, फ्यूल गेज आपको इसमें मिलती है, डिजिटल फ्यूल गेज मिलती है, डिस्टेंस टू MTA नहीं शो करता है। टैकोमीटर भी आपको इसमें नहीं मिलता है। नंबर ऑफ ट्रिमीटर्स आपको दो मिलते हैं। यहाँ पर हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़दीक से देख पा रहे हैं। लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। बैटरी आपको 12 वोल्ट की मेंटेनेंस फ्री मिलती है। फ्रंट स्टोरेज बॉक्स आपको इसमें मिलता है, यहाँ पर नीचे आपको फ्रंट स्टोरेज बॉक्स मिलता है। यहाँ पर हम लाइट्स के कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स देख रहे हैं। इग्निशन ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। इसमें आपको DRLs मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम इसके कीज डिज़ाइन देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। हेडलाइट और टेललाइट्स आपको LED मिलते हैं। टर्न सिग्नल भी आपको LED मिलते हैं। स्टार्ट आपको किक एंड इलेक्ट्रिक का मिलता है। इसके साथ ही पिलियन फुटरेस्ट आपको मिलता है। एडिशनल फीचर्स इसमें क्रोम एग्जॉस्ट फ्यूल इनलेट मिलता है। यहाँ पर हम इसका स्टोरेज देख पा रहे हैं, कीज की पोजीशन। इस स्कूटर के डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको ग्लोसरी बैग हैंग करने के लिए हुक भी मिलता है। अब हम बात करेंगे इस स्कूटर की मैन्युफैक्चर वारंटी की। इसमें आपको मिलती है 24,000 किलोमीटर्स की 2 ईयर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। यहाँ पर हम इसका बहुत ही बढ़िया सीट देख रहे हैं। अंडरसीट स्टोरेज आपको 21.8 लीटर्स का मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। यह है इसका अंडरसीट स्टोरेज, यहाँ पर आप हेलमेट और कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। टूलकिट आपको यहाँ पर मिलता है। फर्स्ट एड बॉक्स छोटा सा यहाँ पर आपको मिलता है। सीट्स की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। लॉकिंग के अरेंजमेंट आपको यहाँ पर मिलती है। इस स्कूटर की सीटिंग बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पर हम इसका पूरा सीट देख पा रहे हैं। इस स्कूटी में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अभी हम इसका सीट क्लोज कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सेटिंग है इसकी। इस स्कूटी की ओवरऑल लेंथ 1.87 मीटर है। यहाँ पर आपको फ्यूल फिल करने के लिए जगह मिलती है। E20 की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। इसकी ओवरऑल विड्थ है 690 mm, ओवरऑल हाइट है 1.16 मीटर्स की, व्हील बेस है 1.265 मीटर्स का। चेसिस आपको स्टील में मिलती है। अभी हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर ऑन कर रहे हैं। ग्लोइंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगता है। मारुति सुजुकी एक्सेस 125 सीसी में आपको मिलता है 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन। यहाँ पर हम इसका इंजन देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक और किक स्टार्ट आपको यहाँ पर मिलता है। मिडल स्टैंड हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 8.6 PSP की और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर का। इसकी ओनर रिपोर्टेड माइलेज है अप्रोक्सीमेटली 46 किलोमीटर पर लीटर की और राइडिंग रेंज है 230 किलोमीटर की। इसका टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर का। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक मिलता है। ट्रांसमिशन टाइप आपको CVT मिलता है। गियर शिफ्टिंग पैटर्न ऑटोमेटिक मिलता है। नंबर ऑफ सिलेंडर सिंगल मिलता है। बोर डायमीटर है 52.5 mm का और स्ट्रोक डायमीटर है 57.4 mm का। इसमें दो वॉल्स मिलते हैं पर सिलेंडर। कॉम्प्रेशन रेशियो 9.4:1 है। इग्निशन इसमें CDI मिलता है। स्पार्क प्लग आपको सिंगल मिलती है। एयर कूलिंग के साथ इसका इंजन आता है। क्लच आपको ऑटोमेटिक मिलता है। फ्यूल डिलीवरी इंजेक्शन सिस्टम मिलती है। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी 1 लीटर्स की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 5 लीटर्स की है। इसके इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। यहाँ पर हम इसके पूरे फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। इस पर हम पेट्रोल फ्यूल E20 वाला यूज़ करते हैं। इस स्कूटी के लुक्स बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। इसकी डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगती है। सीटिंग इसकी काफ़ी कम्फर्टेबल है। टेललाइट्स की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगती है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। इसकी सीटिंग काफ़ी कम्फर्टेबल है। स्कूटर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, आपको ये जरूर पसंद आएगी। अभी हम इस स्कूटी का एग्जॉस्ट साउंड सुनने वाले हैं।
था इसका बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट साउंड, इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर इसका बहुत ही बढ़िया लगता है। आई वुड लाइक टू थैंक्स अभिजीत लिमकर सर, मैनेजर ऑफ ढोने सुजुकी अरुणेश्वर पुणे, ऑल द स्टाफ ऑफ ढोने सुजुकी अरुणेश्वर पुणे एंड ढोने ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ढोने सुजुकी का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैंशन किया हुआ है। आपके पसंद की मारुति सुजुकी स्कूटर और बाइक खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।